अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने स्टार्ट लिया है वीडियोस बनाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। और आज है जो मेरे किचन में बनने जा रहा है शीर खुरमा। और शीर खुरमा के लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है और ये फुल फैट है और इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और इसके बाद है जो मुझे चाहिए वो है नट्स में है बादाम और ये पिस्ते हैं थोड़े से और ये सेवियाँ और 1.5 कप है जो वो चीनी का है और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। तो दूध है जो वो अच्छे से बॉईल हो चुका है तो यहाँ हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें हम डालेंगे ऑयल और आप यहाँ देसी घी भी ले सकते हैं और दूसरा घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ऑयल ही लिया है। जस्ट इतना ही ऑयल हमें चाहिए कि जिसमें सेवैयाँ अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें डालेंगे सेवैयाँ और सेवैयाँ हमने लाइट ब्राउन करनी है, अच्छे से भूननी है। सेवैयाँ हमारी ब्राउन हो चुकी है, लाइट सी हो गई है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम और इन्हें फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो बॉईल किया हुआ दूध है वो डाल देंगे। ये देखें, अच्छे से ये सेवैयाँ हैं जो भुन चुकी हैं। चूँकि ईद माशाल्लाह से करीब है, 2 दिन बाद ईद है तो इसीलिए मैंने ये स्वीट्स की रेसिपी बनाई है। तो इंशाल्लाह अब 1-2 और रेसिपी है जो वो मैं डालूँगी मीठे की। तो यहाँ है जो सेवैयाँ तकरीबन भुन चुकी है, अब हम यहाँ दूध डालेंगे। अब हमने इतना ही इन्हें पकाना है कि ये सेवैयाँ हैं जो गाढ़ी हो जाए, दूध कम रह जाए। माशाल्लाह से रोज़े हैं जो बहुत जल्दी गुजर गए, पता भी नहीं चला। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सेवैयाँ हमारी जो हैं वो हो रही हैं गाढ़ी माशाल्लाह से, ये देखें, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और इसमें हम एक और चीज़ इसकी खुशबू के लिए और ऐड करेंगे कि जिससे इसका जायका और इन्हेंस होगा और ये मज़े की बनेगी। और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे फूड फ्लेवर और ये इलायची का फ्लेवर है और मैं इसे ज़रूर अपने तमाम खाने जो कि मैं मीठे में बनाती हूँ तो उसमें ऐड करती हूँ और मैं आपको बताती होती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये 2 ड्रॉप्स जस्ट हमने इसमें डालने हैं और इससे इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, ये देखें। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अच्छा सा बन गया है। तो शीर खुरमा तकरीबन सबके घर में बनता है, ख़ास तौर पे ईद वाले दिन, और कोई लोग चांद रात को भी बना लेते हैं क्योंकि ये ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब ईद तक है जो भी हम रेसिपी बनाएंगे तो वो यही बनाएंगे मीठे में, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठी रेसिपियाँ ही शेयर होंगी। और अब हम इसमें हैं जो नट्स हमने थे वो डाल देंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, थोड़े से हम इसमें बादाम डाले हैं और थोड़े से पिस्ते डाले हैं। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अब हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है और बनी भी बहुत मज़े की है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी शीर खुरमा, और मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।